जब कभी औरतों की तरक्की, आज़ादी और उनके हक के बारे में सोचता हूँ तो एक ख्याल मेरे मन में आता है कि ऐसी कौन सी बात है जो उनकी इस तरक्की में रुकावट है। शायद ये कोई फतवा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से औरतों पर जुल्म व सितम का सिलसिला बढ़ रहा है उससे तो यह साफ जाहिर होता है कि ना तो हम कुरान की तालीम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही उसमें लिखी गई बातों पर अमल कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कुरान एक ऐसा ज़रिया है जिसने औरतों के सम्मान और उनकी इज्जत का जिक्र सबसे पहले किया है। औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा दिया गया और दुनिया में औरत की इज्जत व एहतराम का सबक इस्लाम ने दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार इंसानियत को औरतों की अजमत से वाकिफ कराया था, दुनिया को सबक दिया था कि लड़के और लड़कियों की परवरिश में भेदभाव न करें, लड़कियों को तालीम देने का हुक्म दिया, माँ के कदमों को सीधे जन्नत करार दिया। इस्लाम औरतों को कद्र और इज्जत की निगाह से देखने के लिए कहता है, फिर क्यों बार बार एक नया फतवा जारी कर हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाते हैं और उनकी तरक्की में रुकावट बनते हैं। शायद इस्लाम में इतनी पाबंदियाँ नहीं बताई गई होंगी जितनी आज के मौलवी फतवे की शक्ल में इस्लाम का वास्ता देकर लगभग हर दिन जारी करते रहते हैं। कुछ मौलवी कहते हैं कि इस्लाम में फतवे का मतलब शरई हुक्म है, जबकि कुछ मजहबी रहनुमाओं का मानना है कि ये इंसानी राय है। आए दिन दारुल उलूम देवबंद और मुल्क के दूसरे मुफ्ती और मौलाना हजरत के जरिए मुस्लिम समाज के सामाजिक कामकाज को लेकर फतवे दिए करते हैं, लेकिन ये फतवे खास तौर पर मजहब का खौफ रखने वालों और अनपढ़ मुस्लिमों की तरक्की में न सिर्फ रुकावट पैदा करते हैं बल्कि आम मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल होने से रोकने और सौहार्द कायम करने में रुकावट साबित हो रहे हैं। कई मुस्लिम रहनुमाओं को इस बात पर ऐतराज़ है कि कई गंभीर विषयों जिनमें कि समाज की दुर्दशा, सामाजिक बुराई जैसे विषयों पर कोई मौलवी फतवा क्यों नहीं जारी करता। अशिक्षा का दंश और आरोपों की गर्मी से झुलस रहे मुस्लिम समाज की औरतों के लिए तालीम हासिल करने का फतवा बहुत ज़रूरी है, जिससे औरतें अपने उन अधिकारों को पा सकती हैं जिनकी वो हकदार हैं और अपने परिवार को सभ्य बनाने के साथ ही मुल्क की मजबूती और अपने मुकाम पर पहुंचने में अहम किरदार निभा सकती हैं। धन्यवाद।